Hey guys, good morning. This is your Sameer sir with the second lecture of chapter circles. Circles में मैंने last class में पांच theorems कराई थी. पांच theorems कराने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बात याद रखना. I'll continuously repeat this thing. एक क्षत्रिय, एक warrior की पहचान किससे होती है, प्लीज मेरी बात समझना. एक warrior की पहचान होती है उसके अस्त्र शस्त्र से. फिलहाल मेरा अस्त्र शस्त्र ये है. वैसे ही सर्कल्स टॉपिक्स को करने के लिए, सर्कल को करने के लिए आपको थ्योरम्स बाय हार्ट याद होनी चाहिए. नहीं याद होंगी ना, मैं करवाऊंगा. मगर जो भी मैं बोलूंगा, जैसे भी मैं बोलूंगा, प्लीज मेक श्योर तुम वैसे ही करोगे. अभी तक हमने जो पांच थ्योरम्स करी हैं, पहली थ्योरम क्या थी, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. सेकेंड कॉर्ड थी क्या, सेकेंड थ्योरम क्या थी, इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे आर इक्वल. थर्ड क्या थी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड. फोर्थ क्या थी, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. फिफ्थ माय फेवरेट क्या थी, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. बिलीव मी, मैं आपको ये हनुमान चालीसा की तरह याद दिला दूंगा, बट जो जो बोलूंगा वैसे वैसे करना. फिलहाल मैं थ्योरम्स को कंप्लीट करता हूं. अगली जो दो थ्योरम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. ये काली मिर्च की तरह है, घर में यूज करो तो भी ठीक है, नहीं यूज करो तो भी ठीक, मगर अगर यूज करो तो स्वाद बढ़ा देती है. प्लीज ध्यान से देखना अगली थ्योरम क्या है. इक्वल, अगली थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल. सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये रहा एक सर्कल, जय माता दी विद सेंटर ओ, इसमें ये रही है कॉर्ड ए बी. सर बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये रही है कॉर्ड सी डी, दोनों इक्वल हैं. सर इसमें हम गिवन क्या लिखेंगे, मेरे बच्चों गिवन आप क्या लिखोगे कि सर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मैं कराता हूं, ये चीज थी गिवन. अगर क्लास मेरे साथ है, हमें टू प्रूव ये करना है दैट इसका सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है. दिस इज एम, दिस इज एन, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल्स टू क्या बेटा, ओ एन. 99% थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए क्या करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन. यहां पर मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन. मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, क्लास आराम से देख सकती है, सर ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी. इसको देखकर कमेंट भी पास कर दो आर, और ये भी आर, किसी को उल्टा बोलने से बेटर है इस, किसी को सही बोल दो. तो कंस्ट्रक्शन में क्या, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी. मैं बहुत बोरिंग हूं, मैं सिंपल अब क्या करने वाला हूं, मेरी क्लास जानती है कि सर ने दोनों ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो लेट्स सी हाउ आई विल डू दिस. इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी. रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप मुझे कभी भी पॉज करके, मम्मी पॉज करो मैं खुद कर दूंगा, मम्मी सर से पहले मैं खुद कर दूंगा, या पहले एक बार देख लो बाद में दूसरी बार देखते हुए मुझे पॉज कर दो और मम्मी को कह दो कि मम्मी मुझे सर से पहले आता था. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में एक ही चीज है मेन. सबसे पहले एम बी इज इक्वल्स टू एन सी. मेन करेला टिंडा ये है, मेन पॉइंट ये था जो कि लड़कों को लड़कियों को दिक्कत होता है. यहां रीजन क्या, एम बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. क्यों बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये मेन पॉइंट था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो एम बी जो हो गया वो हो गया हाफ ऑफ ए बी. सिमिलरली एन सी जो हो गया वो हो गया हाफ ऑफ सी डी.
और ए बी और सी डी तो सर इक्वल थे, जब दो लोग बराबर हैं तो उनके आधे आधे भी बराबर हैं, ये आधे वाला बराबर हो गया इस आधे वाले के, क्योंकि बिकॉज एम बी इज इक्वल्स टू एन सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। मैं चाहूं तो और डिटेल में भी जा सकता हूं, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल यूक्लिड्स में हमने करा हुआ है, एम बी इज इक्वल्स टू एन सी। सेकेंड बेटा एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन, जय माता दी, ईच 90 डिग्री, रीजन जरूर लिखते हुए चलना। तीसरा तो सर आपने पहले ही बना दिया था सर, ओ बी इज इक्वल्स टू सर ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देयर फॉर बाय यूज क्या करा है मैंने, एस साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है, ए एस एस नहीं होता, जब ए एस एस लगने लगे तो क्या कर देना इसे, दिस इज एच एंड दिस इज राइट एंगल, देयर फॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी। हमारा मेन काम हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इंप्लाइज, मैं डायरेक्टली फिगर में ही आ जाऊंगा, दिस इंप्लाइज क्या बेटा, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड क्या कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आई डोंट नो मेरा ध्यान कहां था, मैंने स्टेटमेंट इसकी गलत लिखी है, तो आई एम रेक्टिफाइंग इट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक मैंने दोबारा स्टेटमेंट को ठीक कर दिया, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्वेंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से इसको पीछे से आगे कर लेना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब देखते हैं, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इस बार फिगर थोड़ी सी छोटी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जगह मिल जाए, दिस इज ओ, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये रहा एक सर्कल में कॉर्ड ये ए बी, एक ये रही कॉर्ड सी डी, अगर क्लास ध्यान से देख रही हो, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये इक्वल दे रखा है। मैं गिवन में क्या लिखूंगा, अगर क्लास मेरे साथ है, गिवन में लिखूंगा अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर सच दैट ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल, हमें ये दे रखा है कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये हमें दे रखा है कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। हमें टू प्रूफ क्या करना है मेरे बच्चों, टू प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, टू प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। देखते हैं बेटा, वही हमेशा की तरह कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, जय माता दी, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ओ बी एंड ओ सी, दिस इज ओ सी बेटा, अगर क्लास साथ है तो क्लास क्या बोलेगी, शुक्रिया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब सॉल्यूशन में मैं तो चाहता हूं कि मैं सो जाऊं, सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी, इस बार मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे पॉज करो, मुझे पॉज करके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो, सी देम एनलार्ज करो, देखो कि क्या है। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले मैं लिख दूंगा सर ओ एम
इज इक्वल्स टू ओ एन, ये चीज क्या है गिवन, क्योंकि खुद ही करना है तो फिर करो फटाफट से. सेकेंड क्या है, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन ईच 90 डिग्री, जय माता दी. तीसरा क्या है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, क्या बेटा रेडिया है, राइट एंगल देयर फॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. क्लास क्या बोलेगी, ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. दिस इंप्लाइज एम बी इज इक्वल्स टू एन सी, कि जो एम बी है ये किसके बराबर आ गई, एन सी के बराबर आ गई, बाय सी पी सी टी ई. बेटा रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कपिल सिब्बल जी के बारे में मैं बहुत कम जानता हूं, बहुत कम जानता हूं, ही इज अ रिनोन्ड लॉयर. शशि थरूर जी के बारे में मैं बहुत कम जानता हूं, ही इज अ ग्रेट स्पीकर. इन सबके ऊपर नरेंद्र मोदी जी, ही इज अ ग्रेट स्पीकर. इनकी ग्रेटनेस इनकी आवाज में नहीं है, इनकी ग्रेटनेस इनकी रीजनिंग्स में है. ये जो रीजंस रखते हैं ना, कम शब्दों में इतना क्लियरली बोल देते हैं ये लोग, हैट्स ऑफ टू देम. पीपल लाइक मी बहुत ज्यादा बोलते हैं कुछ समझाने के लिए, बट जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे ना, जैसे जैसे पढ़ाई पे आपकी कमांड बढ़ती जाएगी, आपके शब्द कम होते जाएंगे और उनकी मीनिंग ज्यादा होते जाएंगे. पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क होता है. पढ़ा लिखा इंसान कम शब्दों में ज्यादा समझा जाता है, और अनपढ़ इंसान दिन भर बहस करा लो, दिन भर झगड़ा करा लो. मैं इसमें लिटरेसी और इलिटरेसी की बात नहीं कर रहा हूं. कई पढ़े लिखे, मेरे लिए पढ़ाई कुछ और है. मेरे लिए पढ़ाई ये है जो डेली लाइफ में काम आ सके. मेरे लिए पढ़ाई ये है जिसमें आपका भला हो सके. मेरे लिए पढ़ाई ये है जिससे आप किसी और को भी आगे बढ़ा सको, किसी की मदद कर सको. आई डोंट गो बाय डिग्रीज और बाय एनीथिंग. ऐसे बनो बेटा कि हर कोई तुमसे मिलना चाहे, हर कोई तुमसे बात करना चाहे. हाँ, मुझसे बात करनी हो तो 9818311846 जब मर्जी कॉल कर दो, नहीं उठाऊंगा, व्हाट्सएप कर देना, आई एम एट योर फिंगर टिप्स. मुझसे कोई भी मदद चाहिए हो, यू कैन कॉल मी. नाउ गेट बैक टू द टॉपिक. एम बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एन सी. बट एक बच्चा बोलेगा कि सर, बट एम बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सिमिलरली एन सी भी किसी का हाफ है, एन सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी. रीजन क्या, डू. अब एम बी एन सी के बराबर है, और एम बी ए बी का हाफ है, और एन सी सी डी का हाफ है. दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए बी इज इक्वल्स टू क्या बेटा, सी डी. ए बी इज इक्वल्स टू क्या, सी डी. मीन्स इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, एंड इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. प्लीज मेरी बात को समझना, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. मैं एक बात कहता हूं अपने बच्चों को, मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, तो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों को देता रहता हूं. बट क्योंकि अब मैं नेशनल लेवल पे पढ़ा रहा हूं, आई कैन बी व्यूड फ्रॉम एनी वेयर इन द कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. अगर रात को एक बजे आपको, रात को एक बजे आपका मन कर रहा है कि मुझे चौमिन खानी है, और रात को एक बजे, तो कहां जाओगे? आई एम टॉकिंग अबाउट होल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं. तो जितनी कम नॉलेज मुझे है, मुझे ये लगेगा कि आपको रात को एक बजे अगर चौमिन खानी है ना, तो आप कमसम चले जाओ. जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में कमसम खुल चुका है, एंड कमसम ऑपरेट्स 24/7. वहां आपको चौमिन मिल जाएगी. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ कंसेप्ट. कोई चीज पता हो, उसे अप्लाई करना आना चाहिए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो थ्योरम्स कराई जा रही हैं, इनको अप्लाई करना जिस दिन सीख गए, मींस आपकी टॉपिक पे कमांड हो गई. अब जो थ्योरम करा रहा हूं, वो थ्योरम्स की
ये है जी, दैट इज द पापा थ्योरम. पापा इज द अल्टीमेट वर्ड. फादर, दैट इज द फादर ऑफ ऑल थ्योरम्स. ऑल थ्योरम्स, जितनी थ्योरम्स है उनका बाप है ये. हर क्वेश्चन में 50% सर्कल्स के क्वेश्चन में थ्योरम लगेगी. एंगल से रिलेटेड सर्कल्स में जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें ये थ्योरम लगेगी. भले ही आप नाइन्थ के एग्जाम्स दो, आप कैट का एग्जाम दो, आप एसएससी का एग्जाम दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. तो ध्यान से देखना बेटा, मुझसे भी कोई गलती ना हो, तुमसे भी कोई गलती ना हो. इतनी रिपीट करा दूंगा कि आपको पक्की तरह क्लियर हो जाएगी कि एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, थोड़ी सी एडजस्टमेंट बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इसका मैं कई बार ब्रेकअप करूंगा, ध्यान से. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सबसे पहले सर्कल का लिया सेंटर ओ, कोई भी एक आर्क ले ली ए बी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. मतलब टू प्रूव क्या करना है देखते हैं. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इस पूरे पार्ट में लेट से मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पी, यही आर्क जो एंगल बना रही है कहां, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मीन्स ये वाला एंगल इज ट्वाइस ये वाला एंगल, ध्यान से, ट्वाइस एंगल ए पी बी. जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं आपको बार बार लिखवाता जाऊंगा. मेरा काम आपको कराना है अच्छे तरह. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. दोबारा देखते हैं, दोबारा तिबारा, चार बार, पांच बार, दस बार देखना कि एक ये सर्कल है, कोई भी एक आर्क ले लो. सर्कल की पहचान उसका सेंटर होता है ओ, ये आर्क ले ली ए बी. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल पर लेना है, सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के नीचे नहीं. ये और ये हमें टू प्रूव करना है. एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए पी बी, ये प्रूव करना है. एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए पी बी. तो हमने करी कंस्ट्रक्शन, जॉइन पीओ प्रोड्यूस इट टू क्यू. ये पीओ ज्वाइन करा, प्रोड्यूस इट टू क्यू. अब रिलैक्स हो जाओ. इस एंगल को नाम दे दिया एंगल वन, इसको दे दिया टू, इसको दे दिया थ्री, इसको दे दिया फोर, इसको दे दिया फाइव और इसको दे दिया सिक्स. हमें टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी को अगर देखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, एंगल ए ओ बी इज एंगल वन प्लस एंगल टू इज डबल ए पी बी. ए पी बी इज एंगल फोर प्लस एंगल फाइव. नहीं कर सकता मैं, मेरे बस की नहीं है. ज्योमेट्री की बड़ी अच्छी बात क्या है,
इट पुट स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन, सोचो। तो एक बच्चे ने कहा सर मेकअप आप मेकअप मेकअप करते हो ना, हमने ये मेकअप कर दिया। बच्चे ने कहा सर ओ ए बराबर होगा ओ पी, होगा या नहीं होगा रेडियाए, और ओ पी बराबर होगा सर ओ बी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक चीज देखो सर, इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये वाला जो एंगल है एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल फोर प्लस एंगल थ्री। क्यों? ये वाला एंगल इसके प्लस इसके बराबर है। क्यों बराबर है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है जी। एंड सर ये जो एंगल फोर है ये बराबर है सर एंगल थ्री के, एंगल थ्री के, बिकॉज इन ट्राइंगल ए ओ पी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू रेडियाए। कि सर ये ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी है रेडियाए, तो ये एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर होगा। मतलब आप थ्री की जगह क्या डाल दो? फोर। पुटिंग इन इक्वेशन वन, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल फोर प्लस एंगल थ्री की जगह, ये जो एंगल थ्री है इसकी जगह लिख दिया एंगल फोर। प्रूव्ड अबव। तो क्या आ गया हमारे पास? ध्यान से देखो, एंगल वन बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल फोर, जो इतना वाला एंगल है एंगल वन ये इतने वाले का ट्वाइस हो गया। तो सिमिलरली एंगल टू, एंगल टू किसका ट्वाइस हो जाएगा? ये था एंगल फाइव, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा एंगल फाइव। इसे मानो इक्वेशन टू, इसे मानो इक्वेशन थ्री, दोनों को क्या करो एड टू एंड थ्री, क्या हो गया एंगल वन प्लस एंगल टू ट्वाइस ऑफ एंगल फोर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव। एंगल वन प्लस टू को तो हमने क्या नाम दिया हुआ है? एंगल ए ओ बी इज टू कॉमन, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव। क्लास अगर ध्यान से देख रही हो तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ फोर प्लस फाइव, फोर प्लस फाइव को क्या लिख दूंगा? एंगल ए पी बी। क्या लिख दूंगा बेटा? एंगल ए पी बी। थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा हो तो प्लीज एक बार पीछे जाओ, रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। नहीं समझ आ रहा तो तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, ये तो एक थ्योरम समझाने की बात हो रही है। ये एक पॉइंट था ए ओ बी, स्केच पेन है ये ओ, ये पॉइंट लिया पी, अगर क्लास साथ है पी, हमने क्या किया? हमने ये ज्वाइन करा था, ये एंगल वन था, ये एंगल टू था आराम से, ये एंगल थ्री था, ये एंगल फोर था, ये एंगल फाइव था और ये एंगल सिक्स था। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, कि ये वाला जो एंगल है वो फोर प्लस थ्री के बराबर है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। किससे बेटा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ऑल्सो एंगल थ्री इज इक्वल्स टू क्या है? एंगल फोर। ये वाला एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर है बिकॉज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी। ये जो ओ है ये किसके बराबर है? ओ पी के रेडियाए। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर equal, angles opposite to equal sides of triangle are equal. This implies angle 1
किसके बराबर आ गया, 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 4, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4. अगर एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 है तो सिमिलरली एंगल 2, एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5. इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 3, दोनों को क्या करा, ऐड. एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, दोनों में से 2 कॉमन आ गया. 1 प्लस 2 की मम्मी ने नाम क्या लिखा, 1 प्लस 2 की मम्मी ने उनका नाम लिखा एंगल ए ओ बी. ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 5 की मम्मी ने उसका क्या नाम रखा, एंगल ए पी बी. मतलब सेंटर वाला एंगल डबल होगा सर्कल वाले एंगल से. क्या मैं ये समझा पा रहा हूं, पल्ले पड़ा है. सेम चीज मैंने आपको दो बार समझाई है, पॉज करो, दो बार लिखो इस चीज को, दो बार लिखो, लिख दो बारा लिखो, दो बार लिखो, लिखो. इज दैट क्लियर? एक बच्चे ने कहा सर आपने जो ये आर्क बनाई है ये तो माइनर आर्क है. अगर सर ऐसा हो तो ये एक सर्कल, अगर आर्क एक सेमी सर्कल हो तो मैंने कहा यार तब सेंटर पे जो एंगल बन जाएगा वो ये बन जाएगा एंगल ए ओ बी, और सर्कल पे कोई पॉइंट ले लिया एंगल ए पी बी. अभी भी हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ये प्रूव करना है. फिर मैं बोरिंग, आई एम द मोस्ट बोरिंग टीचर, मैं क्या करूंगा, ज्वाइन पीओ, प्रोड्यूस इट टू क्यू. ये पीओ ज्वाइन करो, इसको कहां तक प्रोड्यूस करो, क्यू. कान पकड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने डॉटेड नहीं बनाया. ये ले लिया एंगल 1 आराम से, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4, ये ले लिया 5, और ये क्या ले लिया 6. और ये सिंबल का मतलब मेरी क्लास को समझ आ ही गया होगा कि ओ ए, ओ पी और ओ बी रेडियाए हैं. तो सॉल्यूशन करने जब आया तो सबसे पहले क्या करा, अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास देखेगी, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. फिर वही बोरिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी रेडियाई. बेटा देखो हर बार लिखने में मैं कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रहा, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हर स्टेप प्रॉपरली लिखा जाएगा. 17 साल से 9th क्लास को पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट मिसिंग अ सिंगल स्टेप. क्या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. बच्चे ने कहा दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4. 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4. एंगल 1 आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. अगर एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आया है, सिमिलरली एंगल 2, एंगल 2 जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 5. इसे माना इक्वेशन 2. मैंने क्या करा, ऐड एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एंगल 4 प्लस एंगल 5. एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो गया, एंगल ए पी बी. कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल व्हेन दिस आर्क वाज अ सेमी सर्कल. जब ये आर्क सेमी सर्कल थी, मैंने माइनर आर्क भी बता दी, मैंने सेमी सर्कल भी बता दी. बच्चे ने कहा सर हम आपको ये वाला कंसेप्ट कराओ सर. मैंने बोलो कौन सा. बच्चे ने कहा अगर आर्क ये ले लूं तो, इफ आई टेक दिस आर्क,
मैंने बेटा जो लेना है ले, बस कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर हम ये वाली आर्क ले लें, दिस इज अ मेजर आर्क, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द एंगल सप्लेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको डबल करना है किससे, इससे, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल पर एक पॉइंट लिया, करना अभी भी वही है, टू प्रूव अभी भी वही है कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए पी बी. अभी भी वही करूंगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी ओ प्रोड्यूस इट टू क्यू, ज्वाइन पी ओ प्रोड्यूस इट टू क्यू. ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर, फोर इसलिए ताकि फिगर्स याद रहें, ये एंगल फाइव, ये एंगल सिक्स, ये वाली साइड इसके इसके बराबर. गेम अभी भी वही है, बिल्कुल वही गेम है, सेम इन ट्राइंगल ए ओ बी. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बट एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर, क्यों एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर, बिकॉज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी रेडियाए एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. दिस इंप्लाइज एंगल वन इज इक्वल्स टू थ्री की जगह चाचा क्या लिख देंगे, एंगल फोर प्लस एंगल फोर. एंगल वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल फोर. अगर एंगल वन ट्वाइस ऑफ एंगल फोर है तो एंगल टू ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव हो जाएगा. एक मान ली इक्वेशन वन, एक मान ली इक्वेशन टू, एड वन एंड टू, व्हाट आई गेट इज एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू टू कॉमन, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव, वन प्लस टू इज एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए पी बी. के सेंटर वाला एंगल इज डबल द सर्कल वाला एंगल इवन इफ द आर्क इज अ मेजर आर्क. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. मीन्स कि अब हे भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों को ढंग से समझा सकूं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, विथ सेंटर हो, विथ सेंटर हो, विथ सेंटर हो. प्लीज अभी सेम ही सर्कल मान के चलना, भले ही आर्क माइनर आर्क हो, भले ही आर्क सेमी सर्कल हो या भले ही आर्क मेजर आर्क हो, सेंटर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल का डबल होगा. कि अगर ये एक्स है तो ऊपर वाला हाफ होगा, एक्स बाय टू. अगर ये डायामीटर है तो सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, अगर ये एम है तो ये एम बाय टू होगा. और अगर ये मेजर आर्क बन रही है और ये एंगल शाहरुख खान है, तो सेंटर पे जो सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा शाहरुख खान डिवाइडेड बाय टू. कि सेंटर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल का हमेशा डबल होता है, इवन इफ द आर्क इज अ माइनर आर्क, इवन इफ द आर्क इज अ डायामीटर, इवन इफ द आर्क इज अ मेजर आर्क. तीनों केसेस में एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सब्टेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. बेटा एक बात याद रखना, एक बात अवेयर रहना, वो जो होते हैं ना, लेजी मत रहना. मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, मैंने एक ये सर्कल बनाया ए ओ बी में आर्क, दिस इज द सेंटर. इफ दिस इज एंगल 30 डिग्री, सपोज इट इज 30 डिग्री, इस पे एक पॉइंट लिया पी, और किसी ने कहा क्या ये एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि ये एंगल 30 है तो ये एंगल उसका हाफ हो जाएगा 15. और रीजन इज एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सब्टेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इज ट्वाइस द एंगल सब्टेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. एम आई क्लियर और नॉट, पल्ले पड़ रही है वाली बात. अब जितनी भी थ्योरम्स हैं सब इसकी बेटियां हैं, सब इसकी बच्चियां हैं. थ्योरम 10.8 थी, ये वाली थ्योरम एग्जाम में जरूर आती है. मुझे रिवाइंड करो,
मैंने अगर आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के देख लो तो ये थ्योरम चार बार मैंने करी है. अगर चार बार मैंने करी है तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो ये थ्योरम कितनी बार आपको करनी चाहिए. यू शुड एटलीस्ट डू इट 8 times. ये थ्योरम बाय हार्ट याद रख लेना. अगली थ्योरम अब मस्त है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसमें मैंने ये एक आर्क ले ली ए बी. ये एक आर्क है जो एंगल्स बनाएगी इन द सेम सेगमेंट. इस सेगमेंट में एक पॉइंट ले लिया पी, इसी सेगमेंट में एक पॉइंट ले लिया क्यू. तो व्हाट आई हैव टू प्रूव इज एंगल, ध्यान से देख लीजिए. टू प्रूव क्या करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मतलब एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी. ये प्रूव करना है. सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इन विच आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी एट सर्कल. और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, और जिसमें सर्कल का सेंटर है ओ. द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ. मैंने करी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी. ज्वाइन क्या, ओ ए एंड ओ बी. ध्यान से देखना, ये एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी जो एंगल है, ये एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा एंगल ए ओ बी डबल होगा इससे, एंगल ए पी बी से. होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, अच्छे तरीके से रीजन लिखूंगा. क्या इसे मानूंगा इक्वेशन वन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए पी बी. सिमिलरली ऐसे तो एंगल ए ओ बी विल बी ट्वाइस ये वाला एंगल. ये कौन सा एंगल है, एंगल ए क्यू बी. इसे माना क्या, इक्वेशन टू. फ्रॉम वन एंड टू क्लास को क्या समझ आ रहा है, एंगल ए ओ बी इसका ट्वाइस है, एंगल ए ओ बी इसका ट्वाइस है. मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी. ट्वाइस से ट्वाइस कैंसल हो गया, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी. मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. मुझे पॉज करो, इस थ्योरम को कॉपी करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो. देसी तरीके से अगर मुझे बोलना होगा तो मैं एक ये सर्कल बनाऊंगा विद सेंटर ओ और एक ये आर्क ले लूंगा ए बी. अब पंगे लूंगा, अब पंगे, एक पॉइंट ले लिया पी, एक पॉइंट ले लिया क्यू, एक पॉइंट ले लिया आर, एक पॉइंट ले लिया एस, एक पॉइंट ले लिया टी. ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क ए बी. ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क ए बी. ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क ए बी ऑन द सर्कल. ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द ए बी, बाय द आर्क ए बी, एंगल मेड बाय द आर्क ए बी. यहीं पे एक पॉइंट ले लिया यू. ये कौन है,
हम तुझे नहीं जानते, वी डोंट नो यू, गेट आउट, तुम्हारा कोई मतलब नहीं हमसे. मगर मगर अगर ये एंगल शाहरुख खान है तो ये एंगल सलमान खान नहीं होगा, ये भी शाहरुख खान होगा. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये भी कौन होगा? शाहरुख खान. और ये भी कौन होगा? शाहरुख खान. और ये भी कौन होगा बेटा? शाहरुख खान. क्योंकि इन सब एंगल्स को कौन सी आर्क बना रही है? सेम आर्क बना रही है ए बी. तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये कोई एंगल नहीं होगा. अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि ये एंगल मम्मी, आराम से कलर कर रहा हूं, बराबर होगा मम्मी इस एंगल के. क्यों मम्मी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सर ने कंफ्यूज ना हो इसीलिए एक पॉइंट अंदर भी ले लिया, वो इक्वल नहीं होगा. मम्मी ने कहा मेरे बच्चे अगर एक पॉइंट यहां आ जाए एम और एक ये आर्क आ जाए ए बी तो क्या ये इक्वल होगा? ये भी इक्वल नहीं होगा. ओनली एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर. नेक्स्ट कम्स थ्योरम 10.11. वो क्या कहती है 10.11? से पहले मैं आपको एक थ्योरम और कराना चाह रहा था, वो कहां गई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट करा दी. अगला क्या है के मैं आपको एक और प्रॉपर्टी या थ्योरम कह लो के वैसे तो हो ही गई थी. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. अगर आप मेरे साथ हो तो आपको मजा आएगा. जब बोर होने का लगे मुझे पॉज करो, मम्मी से कह दो कॉफी बना दो, मम्मी से कह दो चाय बना दे. मम्मी हमेशा प्यार और सेवा करती हैं यार. मॉम इज द बेस्ट थिंग द गॉड हैज क्रिएटेड. एंगल इन अ सेमी सर्कल, एक सेंटर लिया ओ, सेमी सर्कल ये रहा, ये रहा डायमीटर ए बी. कहीं पे भी सर्कल के ऊपर या नीचे जहां मन करता है एक पॉइंट ले लिया पी. एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. मतलब सबसे पहले गेम ही गिवन का है. गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज डायमीटर. ए बी इज क्या बेटा? डायमीटर. टू प्रूव क्या करना है? एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. तो ध्यान से देख लेना अगर समझ आ रहा है क्लास को. तो क्या मैं प्रूव करना चाहता हूं? एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 90 डिग्री. मुझे नहीं आता भैया, तुम एक बार प्लीज कुछ करो. आई डोंट नो, बाकी तुम्हारे ऊपर है. नहीं, अगर नहीं हो रहा तो मैं बैठा हूं. मैंने बोला सॉल्यूशन एंगल ए ओ बी सेंटर पे बन रहा है, डबल होगा एंगल ए पी बी के. इस ट्वाइस एंगल ए पी बी. पूरा इज्जत से एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड by it in remaining part of circle. ये मान ली equation 1. जय माता दी. Also अगर अच्छी आंखों से देखा जाए तो angle AOB खुद ही कौन कितने डिग्री है? 180 डिग्री. क्यों? angle on a straight लाइन. इसे मान लिया इक्वेशन 2. ये भी एंगल एओबी है, ये भी एंगल एओबी है. दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू 180/2. एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री. एम आई क्लियर के नहीं? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है?
श्योर पक्का क्लास अगर ध्यान से देखे तो अब एक बार फिर देसी तरीके से कराऊंगा. ये ले लिया एक सर्कल जिसमें मैंने ये एक डायामीटर बनाया. तुम डायामीटर हो, इसका प्रूफ यही है कि तुम सेंटर से जा रहे हो. अब ये पॉइंट ले लो एस टी यू वी, नीचे भी ले सकते हो एक्स वाई जेड. ध्यान से मैंने बनाया ये एंगल, एंगल पी एस क्यू. आंख बंद करके लिख देना है 90 है. मैंने बनाया एंगल पी टी क्यू, आंख बंद करके लिख देना 90 है. एंगल पी यू क्यू ये भी 90 होगा. ये एंगल भी पी वी क्यू भी 90 होगा. पी एक्स क्यू भी 90 होगा. पी वाई क्यू भी 90 होगा. पी जेड क्यू भी 90 होगा. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. इज दैट क्लियर? अगली थ्योरम, मस्त थ्योरम है. मस्त थ्योरम कराने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट कराना चाहता हूं तुम लोगों को. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस वी आर डिस्कसिंग सर्कल्स, सो ये रहा एक सर्कल. इस सर्कल पर क्वाड्रिलेटरल बोला है तो ऑब्वियसली बात है चार साइड्स की बात हो रही है. सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया, एक पी क्यू कहीं ले लो, एक ले लिया आर और एक ले लिया एस. इनको ज्वाइन करो, पी क्यू आर एस को. पी क्यू आर एस को जब ज्वाइन करोगे तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अ क्वाड री लेटरल हूज ऑल, एक नहीं दो नहीं ऑल वर्टिसेस लाए ऑन अ सर्कल. हूज ऑल वर्टिसेस लाए ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. बड़ी प्यारी छोटी सी थ्योरम है जो अब हम खत्म करेंगे फटाफट से. पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर स्टेटमेंट लिखूंगा. ये पॉइंट लिया ए बी, कहीं पे भी जरूरी नहीं पास हो, सी और कहीं ये पॉइंट ले लिया डी. इनको ज्वाइन करके जो बनाया ये बना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सर्कल का सेंटर है ओ. ध्यान से देख लेना, आ ऊ आ. तो क्या सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री? ये 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर मैथ्स में कभी वाइवा या प्रैक्टिकल होता तो मैम जरूर पूछती व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर होते हैं. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन. गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच पी, सॉरी पी क्यू नहीं है भैया, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. टू प्रूव क्या करना है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. एंगल ए के ऑपोजिट बी और सी तो होंगे नहीं क्योंकि इसके पड़ोसी हैं, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और अगर एंगल बी लेता हूं तो एंगल बी का पड़ोसी ए और सी है, तो एंगल बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. थ्योरम प्रूव करने के लिए हमेशा क्या करनी पड़ती है? कंस्ट्रक्शन. मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर दिया ओ बी एंड ओ डी. मैंने क्या ज्वाइन करा? ओ बी एंड ओ डी. मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल वन, इस एंगल को नाम दे दिया एंगल टू. ओ बी ओ डी स्ट्रेट लाइन नहीं है. सिंपल सा मैंने सॉल्यूशन करा. मैंने लिखा एंगल वन इस ट्वाइस ऑफ एंगल ए. सिंपल सी बात है भाई, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर
ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देख लेना, इसे माना इक्वेशन वन. सिमिलरली ऐसे तो एंगल टू, एंगल टू इसका डबल हो जाएगा, इस ट्वाइस ऑफ एंगल सी, इसे मान लिया इक्वेशन टू. रीजन लिख दिया डू, क्या करा एड वन एंड टू, दोनों को एड करो, क्या आ जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी. अगर फिगर में एंगल वन प्लस एंगल टू को देखो, ये तो गोल चक्कर बन गया. एंगल वन प्लस एंगल टू की जगह लिख दिया 360 डिग्री इज इक्वल टू टू कॉमन एंगल ए प्लस एंगल सी. ज्योमेट्री में कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता भैया, आपको रीजन देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे ही पड़ेंगे ही पड़ेंगे ही. तो ध्यान से, क्यों कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 360, कि जो एंगल वन प्लस एंगल टू था ये कंप्लीट एंगल था. एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया 360 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, कितना आ गया 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री. कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ये जब मैंने थ्योरम कराई तो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट थ्योरम्स आर ओवर. एक दो थ्योरम्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरम्स हैं, अगर वो आप कहोगे मैं वो भी करा दूंगा. बट द पॉइंट इज, अभी जो चीज है, अभी तक जो मैंने थ्योरम्स कराई हैं वो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स गिव देम अ रीकैप्चर. मैं सबसे पहले उनको इज्जत देता हूं. सबसे पहले देखो, अगर मैं ऑर्डर वाइज चलूंगा ना, ऑर्डर वाइज तो आप बुक से देख के भी चल सकते हो. सबसे ज्यादा इज्जत दो इसको, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. सर जी दिस इज माई 5-स्टार थ्योरम. ये मैं अपने हर बच्चे को कहूंगा, हर बच्चे को, हर क्षेत्र हर प्रांत के बच्चे को, कि कम से कम ये थ्योरम 3 बार लिखना बेटा, कम से कम ये थ्योरम 3 बार लिखना. इट विल पुट यू इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. ये थ्योरम करने के बाद आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा. मैं यूजेज के हिसाब से चल रहा हूं कि यूज कौन सी थ्योरम ज्यादा आती है. एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. मैं इस थ्योरम को 3-स्टार थ्योरम बोलूंगा और बोलूंगा कि इस थ्योरम को कम से कम 2 बार कर लेना. ये 2 बार करने के बाद जो थ्योरम जो सबसे ज्यादा यूज में आती है इसके बाद, वो ये वाली है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. इस थ्योरम को भी मैं 3-स्टार दूंगा कम से कम और कहूंगा कि इसको भी 2 बार कर लेना. उसके बाद जो थ्योरम आती है, थ्योरम क्या कंसेप्ट है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कॉल इट एज अ 3-स्टार थ्योरम. आई से यू टू डू इट 2 times. इसके बाद जो थ्योरम आती है, मैं लिख भले ही उसको बाद में रहा हूं बट मेरे मन में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं मैं उस थ्योरम की. क्या देयर इज वन एंड only one circle passing through 3 non-collinear points. There is one and only one circle
पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसको मैं चार स्टार दूंगा और कहूंगा इसको तीन बार करना, मेरी बड़ी फेवरेट है, पेपर इतना मुश्किल आता नहीं है, इसलिए थ्योरम यूज में कम आती है, बट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लेना। मेन जो चैप्टर में सबसे ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है वो इन में से यूज होता है, इन तीन और थोड़ा बहुत ये चार। और ये वाली थ्योरम अगर आपके हो किसी दिन मैम ने हालत खराब करनी होगी सर ने, तो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देंगे। इसके अलावा जो मैंने चार थ्योरम्स कराई हैं वो यही हैं, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जो अगली कराई है वो क्या कराई है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फिर जो कराई है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, याद आ रहा होगा लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल, और एक और इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर देन दे आर इक्वल। प्लीज इन सब थ्योरम्स को दो बार कर लेना, ये सारे कंसेप्ट्स हैं। मेरे कराने के स्टाइल को अगर पसंद किया हो तो सिर्फ इतना कहूंगा, इस रिकॉर्डिंग को दो बार देखना, इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को दो बार देखना, मन से देखना और पॉज कर करके लिखते रहना। साइंस और मैथ्स में नंबर लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिख कर करना, जो भी करो लिख कर करो, देयर इज नथिंग इन थ्योरी, सब ध्यान से अच्छे तरीके से लिख के करो, अपनी क्वेरीज को स्टडी खजाना पे डालो। और इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जो कि शायद स्टडी खजाना की वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगा, बट प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दीज थ्योरम्स वेरी वेरी केयरफुली, एंड अपने फीडबैक्स जरूर लिखकर हमें दें, ताकि हम एजुकेशन को और इम्प्रूव तरीके से आपके सामने ला पाएं। कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, हमारी एक ही नीयत है कि आप लाइफ में अच्छा करो एजुकेशन वाइज एंड बी अ गुड पर्सन। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय। Thank you.